हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक वैसे तो एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल है, ठीक है, और इसमें हम एस्पिरिन का फॉर्मेशंस भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले क्लास में हमारा एक मेथड बचा हुआ है एस्टर फॉर्म करने का फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर इस टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, तो देखो अल्कोहल और फिनॉल से एस्टर बनाने का एक मेथड जो रिमेन बचा था वो था एसिड क्लोराइड को यूज करके अपन एस्टर बना सकते हैं, किससे, अल्कोहल या फिनॉल से, ठीक है। So, alcohol when reacts with the acid chloride, ठीक है, acid chloride को देखो, यहाँ पर भी acid chloride एक example जैसे कि दिख रहा है, तो acid chloride का use करके हम ester को form कर सकते हैं। तो generally अगर acid chloride को लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो Cl C double bond O R या R C O C L, इस तरीके से इसको बोलेंगे acid chloride। तो अल्कोहल का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम दैट इज द पिरिडीन, ठीक है, बेसिक मीडियम दैट इज द पिरिडीन, ठीक है, जो कि बेसिक हेटरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एरोमेटिक रिंग में 6 कार्बन में से एक कार्बन के जगह नाइट्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ऐसा जो पिरिडीन हम यहां यूज करेंगे, जो कि क्या होगा यहां पर, ये पिरिडीन जो है ये एक तरीके से बेस का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड है ये क्लीवेज हम पढ़ रहे थे। तो यहां ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, बॉन्ड टूटने के बाद स्ट्रॉन्ग चार्जेस आ जाएंगे। तो यहां पोलैरिटी की वजह से ये चार्जेस बनेंगे। अब इसमें क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जब इनके बीच बॉन्ड टूटेगा तो फॉर्मेशंस क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके यहाँ पर HCl का फॉर्मेशंस करेगा, और बाकी बचा हुआ कंपाउंड अपने पास में क्या बनता है, R C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा O R, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन ईस्टर, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, ईस्टर। ओके, तो अल्कोहल से ईस्टर बनता है, उसी तरीके से फिनॉल भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फिनॉल, ठीक है, ये हुआ फिनॉल, इसको भी हम रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, Cl C डबल बॉन्ड O R यानी R C O C L, ठीक है, इसी को कहेंगे अपन एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर अपन फिनॉल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर बेसिक मीडियम दैट इज द पिरिडीन, ठीक है, ये बेसिक मीडियम यहां पर यूज कर रहे हैं। और इसका काम क्या होता है, इसके पहले हमने जो दो मेथड्स पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो रिएक्शंस को रिवर्स कराते हैं। तो यहां पर ये जो HCl है ये HCl इस रिएक्शंस को रिवर्स ना करे, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है ये पिरिडीन करेगा, ठीक है। सो पिरिडीन दैट इज द बेसिक इन नेचर इज न्यूट्रलाइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे आपको प्रोडक्ट की एक अच्छी एंड मिलेगी, ठीक है। तो पिरिडीन ये रिएक्शंस पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा, किस तरीके से, यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर वही बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। यहाँ पर सिमिलरली हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ आपको यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग को जिस तरह से करना है, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने HCl, ठीक है, और प्लस बाकी बचा हुआ कंपाउंड अपने पास में क्या रहेगा, R C डबल बॉन्ड O और ये अटैच होगा इस फिनोक्साइड आयन से, ठीक है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन फिर अटैच होगा यहां पर एरोमेटिक रिंग से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल, फिनाइल कार्बोक्सिलेट। अब यहां पर R के जगह आप क्या लेते हो उसके ऊपर इसका नाम डिपेंड करेगा, अगर आप CH3 ले रहे हो तो इसका नाम बनेगा फिनाइल एसिटेट, ठीक है, फिनाइल एसिटेट, और एसिटेट ऑफ फिनाइल या अल्कोहल इसी को अपन एस्टर कहते हैं, ठीक है। तो एसिटेट ग्रुप यहां पर अटैच होगा जिसको हम बोलेंगे कि ये एस्टर बन गया फिनॉल से, एसिटेट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर आप अल्किन के जगह और भी कार्बन ले सकते हैं, और इनके नॉमेनक्लेचर्स किस तरह से होंगे ये हमने पिछले क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है, या पढ़ा हुआ है। तो एस्टर का यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अल्कोहल से एस्टर फॉर्मेशन होता है और सिमिलरली फिनॉल से भी यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक वीक मेथड ये जो है ये बची थी, आज ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। देखो अब आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ एसिटिल डेरिवेटिव होगी यानी अल्कोहल और फिनॉल में एक हाइड्रोजन वहां से कम होके एसिटिल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन एसिटिलेशन भी कह सकते हैं।
तो यहां एसिटिल डेरिवेटिव होगा अल्कोहल एंड फिनॉल का। तो एसिटिल डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, एसिटेट एस्टर बनेगा, किसका बनेगा, अल्कोहल और फिनॉल का, ठीक है। सो एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर कॉल्ड एज द एसिटिल डेरिवेटिव, ठीक है, एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि अल्कोहल में या फिनॉल में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे गिवन कंपाउंड्स में, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे रिड्यूस हो जाएंगे, एसिटिल ग्रुप से। फिर वहां जितने आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहे हैं उनके जगह पे आपको नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, एसिटिल ग्रुप मिलेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन गिवन कंपाउंड, दैट मींस इन अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है, कैन बी डिड्यूस बाय नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एसिटिलेशन। यहां पर एसिटिल ग्रुप का एडिशन होगा अल्कोहल और फिनॉल में, जिसको कहेंगे हम एसिटिलेशन, ठीक है। अब यहां पर हमें खासतौर से प्रिपरेशंस किसका पढ़ना है, एस्पिरिन का, ठीक है, जो कि एक जेनेरिक मेडिसिन है। सो एस्पिरिन इज अ वेल नोन जेनेरिक मेडिसिन, और वो एक्चुअली क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। एस्पिरिन को हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अब ये कैसे बनेगा, सो इट इज एन एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का एसिटिल डेरिवेटिव होके एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा बाय एसिटिलेशन प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सैलिसिलिक एसिड से हमें एस्पिरिन बनाने के लिए यूज क्या होगा, तो हम दो यूज कर सकते हैं कंपाउंड, वो एक है एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, ओके। अब देखो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा, ये एक्चुअली कोलबे रिएक्शन से समझ में आता है, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन जिसमें सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं हम फिनॉल से। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, देखो फिनॉल जो है, ओके, फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। सो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स, यहां पर क्या देगा, यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यहां पर बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो तो अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल, ओके, OH माइनस, ये इस H प्लस से क्या होगा, कंबाइन होगा, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। वाटर मिलने के बाद आपको यहां पर फिनोक्साइड आयन भी मिलेगा, ठीक है, यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब निगेटिवली चार्ज रहेगा, जिसको अपन फिनोक्साइड आयन कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फिनोक्साइड आयन, ओके, फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड आयन का, ठीक है, नेक्स्ट केस में यानी सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, फिनोक्साइड आयन को हम रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहां पर देखो कि सबसे पहले तो इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा और दूसरा रिएक्शन जो होगा वो एसिडिक मीडियम की वजह से होगा, यानी इसको एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। पहला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, दूसरा रिएक्शन इसका एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो देखो इससे आपको यहां पर क्या बनते हुए देखा, आपको यहां पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। सैलिसिलिक एसिड मतलब फिनॉल में ऑर्थो या पैरा पोजीशन, हमने देखा कि फिनोक्साइड आयन क्या करता है, इसके पहले हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डीलोकलाइज होता है, ओके। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बोक्सिलिक यानी COOH ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एसिडिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच होगा, ठीक है। वैसे पैरा पोजीशंस पे भी हो सकता है, लेकिन पैरा से ये स्टेबल कहां होगा, ऑर्थो पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रोजन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और जिससे कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, यही जो है ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि फिनोक्साइड आयन जो है, ठीक है, फिनोक्साइड आयन इसका रिएक्शन सबसे पहले होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो किस तरीके से, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होता है डबल बॉन्ड से, ठीक है, समझ में। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां रेजोनेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन में इन्वॉल्व करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहां पर फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले तो ये फिनोक्साइड आयन जो है, इस फिनोक्साइड आयन में इसका कुछ रेजोनेंस इस तरह से बनेगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होंगे, ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे।
और फिर इसका रिएक्शन होने जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, जो कि एसिडिक है, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये जो लोन पेयर है ये किसको दिया जाएगा, कार्बन को। उस वक्त इन दोनों ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्यों ऑक्सीजन, अब यहां पर ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो डेफिनेटली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसी की तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होगी, ठीक है, या दी जाएगी। इससे कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहां पर फिनोक्साइड, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट होगी, मतलब यहां कार्बन अटैच होगा, उसमें एक ऑक्सीजन क्या मिलेगा, डबल बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, सिंगल, और जिसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है, बाकी जो दो बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहे वो एसिडिक होंगे। अब यहां पर पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन तो होता है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन तो होगा, अब इसकी एरोमेटिसिटी तो नहीं रही, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए थे, वो एरोमेटिसिटी नहीं दिख रही है, तो होता क्या है इसका, यहां पर ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस से इसमें शेयर होती है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर बनते हैं और हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है, H+ के फॉर्म में, और ये H+ किससे अटैच होगा, इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में एड हो जाता है, समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो H+ यहां पर ऑक्सीजन में एड होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहां पर ओ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर फिनोक्साइड आयन का ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड बन चुका है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी, यानी डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर कार्बन जो है ये कार्बन किससे अटैच होगा, देखो अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अटैच हो गया, तो यहां पर OH बनेगा और यहां पर डबल बॉन्ड O। अब दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जो ये कार्बन दिख रहा है यहां पर फाइव बॉन्डेड दिख रहा है, फाइव बॉन्ड बनाया उसने, फाइव बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उस वक्त क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इससे ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्डेड होता है और फिर से निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये पहला स्टेप हुआ जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर रिएक्शन कर रहे, ये होगी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, फिनोक्साइड आयन है जो अटैच किससे है यहां पर, इस कार्बन से, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इसको आप कंबाइन लिख सकते हो COOH, ओके, इस तरीके से। अब सिर्फ ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है इसके लिए क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, मतलब इसमें H+ आयन डोनेट किए जाएंगे, और वो कहां है, यहां पर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास में, तो आपको यहां पर क्या बनते हुए दिखाई देगा, OH, ओके, और यहां पर ऑर्थो पोजिशन पे दिखेगा COOH, इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड, समझ में आया। अब इसी सैलिसिलिक एसिड को यूज करके हम एस्पिरिन का फॉर्मेशन करेंगे। अब वो किस तरीके से होगा, तो देखो सैलिसिलिक एसिड जो है, ओके, सैलिसिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं किससे, या तो आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, ठीक है, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। सो दिस सैलिसिलिक एसिड, ओके, सो हमने क्या बोला, इट इज सैलिसिलिक एसिड, दिस सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद, ये किससे रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट होता है या तो एसिड क्लोराइड यूज करो या एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करो। तो देखो यहां पर हम CH3C डबल बॉन्ड OCl ले रहे हैं, मतलब ये हो गया एसिटिल क्लोराइड, ओके, या फिर इसके जगह पे आप और में क्या लिख सकते हो, एसिडिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर होगा CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस तरीके से होगा एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखो यहां पर हमने सबसे पहले कहा, यहां पर बहुत ध्यान देना है, मैंने पहले कहा कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे गिवन कंपाउंड में वो एसिटिल ग्रुप से डिड्यूस हो जाएंगे, तो यहां कौन सा ग्रुप टूटेगा, यहां पर OH, ठीक है, और हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या है निगेटिव। अब ये इससे रिएक्ट होंगे तो यहां पर आपको निगेटिव पॉजिटिव पार्ट पहचानना है, तो सिंपल है, यहां पर देखो हैलोजन है, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ये पार्शियल निगेटिव और कार्बन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें भी पोलरिटी डेवलप हुई, यहां पर भी यही काम यहां पर भी हो सकता है। यहां पर एसिडिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव और इन दो में से कोई एक कार्बन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है, वैसे इसमें भी हो सकता है, लेकिन इन दो में से कोई एक बॉन्ड यहां पर टूटेगा,
ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूट सकता है। अब आपको करना क्या है, अपोजिट चार्ज होने हैं, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो निगेटिव है इस पॉजिटिव कार्बन से अटैच होगा, मतलब ऑक्सीजन ठीक है अटैच विद पॉजिटिव चार्ज कार्बन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन किससे अटैच है, यहां पर CH3 से, ओके इस तरीके से होगा। और इसकी पैरा या ऑर्थो पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन में पहले से क्या है, यहां पर COOH, ओके इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। इसी को अपन एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है, इसको एस्पिरिन कहेंगे या फिर सैलिसिलिक एसिड। चलो ये बन गया इससे दूसरा कंपाउंड, और देखो इसके नीचे मैंने और लिखा है, तो इसी का प्रोडक्ट और मैं और नीचे लिखता हूं अगर मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो क्लोरीन से अटैच होगा और आपको यहां पर मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया। दूसरा इसमें अगर देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां बॉन्ड टूटेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन किससे अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन से, वापस से आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो यहां पर हमने पहले बनाया, ठीक है। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है निगेटिवली चार्ज, ये किससे अटैच होगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, ओके ये कार्बन, उसके बाद ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड किसके साथ बनाया, CH3 के साथ, उसके अलावा COH ग्रुप तो है ही, ठीक है। ये वापस से क्या दिख रहा है, एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। प्लस अब बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, देखो ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट निगेटिव है, ओके तो ये निगेटिव पार्ट किससे अटैच होगा, यहां पर हाइड्रोजन से, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होकर यहां पर बनेगा OH, ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हो तो यहां पर एसिटिक एसिड बनेगा, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है इसी को बोलते हैं अपन एस्पिरिन, ठीक है, या फिर इसका नेम दूसरा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसी को क्या बोलेंगे, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, समझ में आ रहा है। एंड दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, तो वो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिड क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इन दोनों मीडियम, दोनों को या दोनों में से किसी एक को यूज करके आप एस्पिरिन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो कंपाउंड दिख रहा है, ओके कौन सा कंपाउंड, CH3COCl, इसको हम बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, या तो आप इसको यूज करो या दूसरा कंपाउंड, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कंपाउंड दिख रहा है इसी को बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को यूज करके हम फिनॉल से, ठीक है, यहां पर क्या बना रहे हैं, एस्पिरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको अपन बोलेंगे एसिटिलेशन, मतलब यहां पर एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप यहां पर फिनॉल में ऐड हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब यहां पर हमने फिनॉल से बनाया, ठीक है, और ये जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन खास तौर से एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल को ही कहेंगे, ठीक है, अल्कोहल नहीं। अगर आप फिनॉल का एसिटिलेशन कराते हो तो ही यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एस्पिरिन, क्योंकि उसका नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, समझ में आ रहा है। ये स्पेशली एस्पिरिन किसके लिए होगा, एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, नॉट अल्कोहल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से होगा। अब ये रिएक्शन आप अल्कोहल से भी कर सकते हो, सिर्फ वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और उसमें यहां पर एसिटिल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो यहां तक हुआ एसिटिल डेरिविटी ऑफ फिनॉल, खास तौर से ये क्या है, एसिटिल डेरिविटी ऑफ फिनॉल, जिसको हमने बोला एस्पिरिन, ठीक है, समझ में आया। चलो थैंक यू।